आज के समय में जितनी जरूरत सर्वाइवल के लिए फूड, वाटर, एयर और शेल्टर की है, उतनी ही जरूरत इस चीज की भी है। इंटरनेट ने आपकी और हमारी जिंदगी को काफी आसान और सरल बना दिया, या कहें कि पूरी तरीके से बदल दिया। पर कि आप जानते हैं कि जिस इंटरनेट की आप और हम ऑलमोस्ट एडिक्ट हो चुके हैं, उसकी एक डार्क साइड। First record of the Dome of Nagasaki, target by atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट की। शायद ही आज इंटरनेट के बिना सर्वाइवल पॉसिबल होगा। अब इंटरनेट सुनने के बाद हमारे दिमाग में क्या आता है? गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और गिने चुने दो चार वेबसाइट्स। लेकिन इंटरनेट यहीं तक लिमिटेड नहीं है। इंटरनेट स्पेस की तरह है, इनफाइनाइट। जहां आपकी इमेजिनेशन खत्म होती है, वहां से इंटरनेट की डार्क साइड स्टार्ट होती है। अप्रैल 2030 की एक रिपोर्ट के हिसाब से पूरी दुनिया के 65% लोग, यानी कि 500 करोड़ लोगों की लाइफ डेली इंटरनेट पर डिपेंडेंट है। इस पॉपुलेशन में से लगभग 2 बिलियन लोग हर रोज फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं और रोज 3.7 मिलियन वीडियोस YouTube पर अपलोड की जाती हैं। हर दिन इंटरनेट पर 2.5 लाख से ज्यादा वेबसाइट्स रजिस्टर होती हैं और इंटरनेट की एग्जिस्टेंस से लेके आज तक यहाँ पर 1 बिलियन से ज्यादा वेबसाइट्स रजिस्टर हो चुकी हैं। अभी हमने जो डेटा शेयर किया वो सरफेस वेब का था, इसमें डीप वेब और डार्क वेब का डेटा इंक्लूडेड नहीं है। सो इंटरनेट की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले आता है सरफेस वेब, जिसके बारे में हमने अभी बात की। इसको हम डेली बेसिस पे एक्सेस करते हैं। ये वेब वर्ल्ड वाइड वेब का हिस्सा है। इसमें गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और यूट्यूब, ये सारी ऐसी वेबसाइट आती हैं जो किसी नॉर्मल सर्च इंजन से एक्सेस की जा सकती है। सरफेस वेब जो है वो इंटरनेट का सिर्फ 5 या 6% है। अब बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो आता है डीप वेब और डार्क वेब में। यहाँ पे फर्क ये है कि डीप वेब और डार्क वेब पे आपकी आइडेंटिटी एनोनिमस रहती है और यहाँ पे वो सारे काम किए जा सकते हैं जो सरफेस वेब पर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सारी इलीगल एक्टिविटीज पॉसिबल है। अब चाहे वो हिटमैन हायर करना हो, इलीगल ड्रग्स को परचेज करना हो, फेक पासपोर्ट, फेक क्रेडिट कार्ड, फेक वीजा का बनवाना हो और भी बहुत कुछ। लेकिन डार्क वेब को अच्छे से समझने से पहले हम डीप वेब और डार्क वेब का फर्क डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। हम लोग डेली लाइफ में डीप वेब को कई बार एक्सेस करते हैं। डीप वेब पे प्रेजेंट चीजों को आप डायरेक्टली गूगल से एक्सेस नहीं कर सकते। बेसिकली जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड चीजें होती हैं उसको डीप वेब कहा जाता है। अब इसमें आपका जीमेल अकाउंट, नेटफ्लिक्स अकाउंट, इवन आपकी नेट बैंकिंग डिटेल्स, ये सब आता है। मतलब अगर किसी भी ऑनलाइन अकाउंट को उसके क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन करना पड़ेगा तो वो डीप वेब कहलाएगा। और ये डेटा इतना बड़ा है कि ये इंटरनेट का 95-96% हिस्सा कवर करता है। और एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि डीप वेब पर साल 2025 तक 175 ज़ेटाबाइट डेटा कलेक्ट हो चुका होगा। अब आता है डार्क वेब, जिसको गूगल से या किसी नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। अब डार्क वेब पे आप बेसिकली क्या क्या कर सकते हो? कोई भी इलीगल ड्रग खरीद सकते हो, कुछ पैसों में एक असैसिन हायर कर सकते हो, फेक क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, मतलब कार्ड लो, रैक अप द बिल एंड नेवर पे, कोई भी फेक बैचलर डिग्री, फेक पासपोर्ट, ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रेड करना और हर तरीके का डिस्टर्बिंग कंटेंट वहां अवेलेबल है, जैसे चाइल्ड टॉर्चर लाइव स्ट्रीम, जिन्हें रेड रूम्स भी कहा जाता है। एक वेबसाइट है द हिडन विकी, उस पे ये सारी सर्विसेज लिस्टेड हैं जो आप डार्क वेब पे ले सकते हो। और इन सारी सर्विसेज के बदले आपको बिटकॉइन में पे करना होगा। डार्क वेब पर सारा ट्रेड सिर्फ बिटकॉइन में होता है। इनफैक्ट 50% जो बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन्स हैं वो डार्क वेब में ट्रेड करने के लिए ही होती हैं। एंड वन मोर थिंग, ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। जो भी वेबसाइट या रेफरेंसेस हम आगे मेंशन करेंगे, प्लीज डू नॉट विजिट। सबसे शॉकिंग बात ये है कि डार्क वेब पे टेररिस्ट, हैकर्स, ड्रग डीलर्स और क्रिमिनल्स हमसे सिर्फ एक क्लिक दूर हैं। डार्क वेब को नॉर्मल किसी ब्राउजर पे एक्सेस नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें टॉर ब्राउजर का यूज करना पड़ता है। और टॉर का मतलब होता है द अनियन राउटिंग। तो अनियन राउटिंग को सबसे पहले यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी के 3 साइंटिस्ट पॉल स्वाटसन, डेविड गोल्डस्लैग और माइकल रीड द्वारा डेवलप किया गया था। इसको यूएस नेवी के सीक्रेट ऑपरेशंस करने के लिए बनाया गया था, ताकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके गवर्नमेंट तक वो मैसेज पहुंचा सके। अनियन राउटिंग ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स के थ्रू भेजता है और हर स्टेज पे डेटा एनक्रिप्टेड रहता है। सपोज हमने टॉर ब्राउजर पे यूट्यूब करा, तो वो कमांड 3 डिफरेंट लोकेशन से राउट होकर जाएगी, वो भी किन्हीं भी 3 रैंडम सर्वर से जो अलग अलग जगह पे लोकेटेड होंगे। तो इससे आपके ISP के लिए, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए, आपको ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब जैसे ऑनियन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ऐसे ही ऑनियन राउटिंग में भी एनक्रिप्शन की बहुत सारी लेयर्स हैं। अब क्योंकि टॉर ब्राउजर के थ्रू यूजर की एनोनिमिटी मेंटेन रहती है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज भी होने लगी। डार्क वेब का जो URL होता है उसमें .com, .net
या .org नहीं होता, उसका URL .onion से एंड होता है और उसका लिंक एक रैंडम कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग होता है। इसमें यूजर की आइडेंटिटी काफी हद तक हिडन होती है और एनोनिमिटी के साथ कोई भी सर्फिंग कर सकता है। अब डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ आपको कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी। इलिसिट गुड्स जैसे सभी टाइप के ड्रग्स, वेपन्स, इवन ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, स्टोलन गुड्स, स्टोलन इन्फॉर्मेशन, हैकर्स, असैसिंस, इवन चाइल्ड के भी ग्रुप्स होते हैं। डोला सिटी एंड प्लेपेन दोनों ऐसे वेबसाइट्स थे जहाँ पे की अवेलेबल थी। सैड पार्ट ये है कि उन वेबसाइट्स पे 200,000 से ज्यादा मेंबर्स थे। खैर, लेटर उनको बैन कर दिया गया, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ऐसी वेबसाइट्स को बैन किया जाता है, वैसे ही उनकी मिरर वेबसाइट्स खुल जाती हैं। अब ये जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हमने डिस्कस की, इन सब की शुरुआत हुई थी सिल्क रोड से। सिल्क रोड को आप ऐसे समझिए, इलीगल स्टफ का अमेज़न। अगर आपको कोई भी इलीगल ड्रग खरीदना है, वेपन खरीदना है, कोई भी इलीगल चीज जो आप इमेजिन कर सकते हो, उसको आप एक क्लिक में ऑर्डर करो और एक अमेज़न के पैकेज की तरह वो आपके घर पे आके डिलीवर हो जाएगा। कुछ ऐसी वेबसाइट थी सिल्क रोड। 2011 में इसकी शुरुआत हुई और इस वेबसाइट के डेवलपर का नाम था रॉस अल्ब्रिज। सिल्क रोड ने साल 2011 से 2013 तक $1.2 billion की सेल जनरेट कर ली थी। सिल्क रोड सिर्फ 2 सालों के लिए ऑपरेट हुई और सिर्फ इतने समय में सिल्क रोड ने 9.5 मिलियन बिटकॉइन एज अ रेवेन्यू जनरेट किए थे। अगर हम इसको बिटकॉइन की हाईएस्ट वैल्यू पे डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये बैठता है $187 billion का रेवेन्यू। अब इसकी शुरुआत एक नॉर्मल से इंसान रॉस ने की थी, जिसका मानना ये था कि गवर्नमेंट लोगों को नहीं बता सकती कि वो क्या एक्सेस कर सकते हैं, क्या ड्रग कंज्यूम कर सकते हैं और क्या नहीं। वेबसाइट क्रिएट करने के बाद रॉस के पास सिल्क रोड पे लिस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसने एक मशरूम फैक्ट्री को रेंट किया और सिल्क रोड का सबसे पहला आइटम मशरूम ही लिस्ट किया गया था। उस वेबसाइट पे हर इलीगल ड्रग के लिए एक कैटेगरी बनाई गई और ऐसी इलीगल वेबसाइट को नॉर्मली इंटरनेट पे प्रमोट नहीं किया जा सकता था, इंस्टाग्राम, फेसबुक या गूगल पे, और ना ही वहां पे उसका लिंक काम करता। सो रॉस ने सबसे पहले रैंडम फोरम्स पे सिल्क रोड के बारे में एज अ यूजर कमेंट करना शुरू किया, खुद ही प्रमोट करना शुरू किया कि एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप कोई भी इलीगल स्टफ ढूंढ सकते हो। और बहुत जल्दी सिल्क रोड पे बहुत सारे सेलर्स ने ड्रग लिस्ट करने शुरू कर दिए और वर्ड ऑफ माउथ से ये वेबसाइट बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी। शुरुआत में यहाँ पे सिर्फ इलीगल ड्रग्स मिला करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने वेपन्स लिस्ट करने शुरू कर दिए। इवन ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स भी इस वेबसाइट पर मिलने शुरू हो गए। फिर साल 2013 में फाइनली FBI ने सिल्क रोड को शटडाउन कर दिया, लेकिन ये कहानी यही एंड नहीं हुई। सिल्क रोड के बंद होते ही सिल्क रोड 2.0 बन गई, उसको बैन किया तो सिल्क रोड 3 आ गई और फिर डार्क वेब पे एक ऐसा ही मार्केटप्लेस आया जिसका नाम था अल्फा बे, जो सिर्फ 2 साल के ऑपरेशन में सिल्क रोड से 10 गुना बड़ा बन गया था। ये आज तक का डार्क वेब का सबसे बड़ा इलीगल मार्केट प्लेस है। 2017 में इसको भी बैन कर दिया गया और जितने भी ये डार्क वेब पे इलीगल मार्केट प्लेसेस हैं, जहाँ पे इतने एक्सट्रीम इलीगल एक्टिविटीज होते हैं, हमेशा ये पाया जाता है कि इनके फाउंडर या क्रिएटर्स मास्टरमाइंड क्रिमिनल नहीं होते। ज्यादातर ये लोग IT बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और मोस्टली इन वेबसाइट्स को ये थाईलैंड से एक्सेस करते हैं। अब उसका रीजन ये है कि थाईलैंड की गवर्नमेंट यूजर का पर्सनल डेटा एक्सट्रैक्ट करने की परमिशन नहीं देती, तो इनके पकड़े जाने के चांसेस कम होते हैं दूसरी कंट्रीज के मुकाबले। सिल्क रोड और अल्फा बे जैसे इलीगल मार्केट्स के बाद अगर सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट कुछ है तो वो है रेड रूम्स। ये एक वेबसाइट है जहाँ पर लोगों की मर्डर और टॉर्चर की लाइव स्ट्रीम चलाई जाती है। अब कुछ लोगों का मानना यह है कि ये वेबसाइट फेक है और कुछ लोग कहते हैं कि ये रियल में एग्जिस्ट करती है और उन्होंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा हुआ है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का तो ये भी कहना है कि रेड रूम्स को टेररिस्ट ग्रुप्स और ISIS भी चलाते हैं। लोगों की डिमांड पर विक्टिम को सजा दी जाती है। बाकी साल 2015 में FBI ने एक आदमी पीटर स्कली को अरेस्ट किया था क्योंकि उस पे रेड रूम चलाने के एक्यूजेशंस थे। वो एक डेजी डिस्ट्रक्शन नाम से रेड रूम चला रहा था जहाँ पे यंग चिल्ड्रन की बॉडीज को वो भी अब्यूज किया करता था और लाइव मर्डर्स किया करता था और इन एक्टिविटीज को फिल्म करके वो डार्क वेब पे सेल किया करता था। इवन सरफेस वेब पर होते हुए डार्क वेब की कुछ सर्विसेज को एक्सेस किया जा सकता है और ये पॉसिबल है रेडिट की वजह से। रेडिट पर आज भी कुछ ऐसे सबरेडिट्स हैं जहां इलीगल ट्रेड हो रहे हैं। जैसे टॉर एक सर्च इंजन है, वैसे ही आज टॉर के एडमिनिस्ट्रेटर एक नया रेडिट सर्च इंजन डेवलप कर रहे हैं जहां पे साइबर क्रिमिनल्स को इलिसिट गुड्स एंड सर्विसेज इजीली अवेलेबल हो सकेंगे। इस सर्च इंजन को डार्कनेट मार्केट भी कहा जाएगा और DNM को बिल्कुल गूगल की तरह डिजाइन किया जा रहा है। इससे पहले भी ऐसे सर्च इंजन बनाए गए थे, जैसे एक सर्च इंजन था ग्राम्स नाम से जो बिल्कुल गूगल की तरह डिजाइन किया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया था। जैसे कि हमने वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था कि डार्क वेब पे सिर्फ बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू ही ट्रेड किया जा सकता है। अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो बहुत इजीली उसे ट्रेस किया जा सकता है क्योंकि आपके बैंक के पास आपकी ट्रांजैक्शन की हर एक इन्फॉर्मेशन जाती है। बहुत लोगों का ये मानना भी है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की सक्सेस के पीछे सिल्क रोड और डार्क वेब का एक बहुत बड़ा हाथ है। उस दौरान क्रिप्टो में एक भारी मात्रा में ट्रेड होना शुरू हो गया था। देखो, डार्क वेब हमसे सिर्फ एक क्लिक दूर है। सरफेस वेब और डार्क वेब में एक बहुत ही थिन लाइन है और वो है टॉर ब्राउजर और अनियन राउटिंग। टॉर ब्राउजर को डिजाइन करने के पीछे जो मेन एम था
वो ये था कि प्राइवेसी और एनोनिमिटी को मेंटेन किया जा सके, लेकिन समय के साथ साथ इस चीज का मिसयूज भी होने लगा। डार्क वेब को हमारी गवर्नमेंट्स के द्वारा भी यूज किया जाता है दूसरे नेशंस के साथ आर्म्स वेपन्स में डील करने के लिए या कोई सीक्रेट ऑपरेशन या मिशन को प्लान करने के लिए। ये सब डिस्कशंस डार्क वेब पर किए जाते हैं ताकि एनिमी हमें ट्रेस ना कर सके और नेशन के ट्रेड और सीक्रेट्स अनट्रेसेबल रहे। खैर, ये तो कुछ डार्क वेब के बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इसके बहुत सारे डिमेरिट्स भी हैं। यहाँ पे हर तरीके की इलीगल एक्टिविटी पॉसिबल है, हम जैसे यूजर का वहाँ कोई काम नहीं है, और बहुत सारे लोग डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउजर डाउनलोड भी कर लेते हैं और इंटरनेट पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, उन्हें फॉलो करते करते वो वहाँ पहुंच जाते हैं। और ज्यादातर के साथ क्या होता है, डार्क वेब पे हैकर्स हमेशा एक्टिव रहते हैं और वो आपके कंप्यूटर की आईपी ट्रेस कर लेते हैं, फिर आपके डिवाइस की सारी फाइल्स को लॉक कर दिया जाता है और उसके बदले में आपसे पैसा डिमांड करते हैं। तो इसीलिए सबसे दूर रहो, अपने थ्रिल और मस्ती मजाक के लिए डार्क वेब को एक्सप्लोर करने मत चले जाना। आज की वीडियो में इतना ही, मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो चेकआउट आवर व्लॉग चैनल, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।